इसका मेन मकसद जो है वो सीबीडी आयल की प्रोडक्शन है। सीबीडी आयल जो है एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और मुख्तलिफ मेडिसिन की शेप में पाकिस्तान भी इम्पोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया में इसको इम्पोर्ट किया जाता है। और अगर हम इसकी मार्केट देखें तो $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की मार्केट है। ये तकरीबन एक एकड़ से 10 लीटर तक हासिल हो जाता है और ये फीमेल प्लांट से हासिल होता है और इसकी एवरेज प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $10,000 पर लीटर है और ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और स्पेशली पेन और इस किस्म लीवर और इस किस्म की जो बाकी बीमारियां उसमें ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में ये पौधा आम पाया जाता है और इसको लोग उर्फ आम में भंग की शक्ल में जानते हैं। किसी भी जगह सड़क के दोनों तरफ देखें तो ये आम पाया जाता है। पॉजिटिव यूज़ जो है अगर किया जाए तो ये इंडस्ट्रियल वे में, यानी इससे आप थ्रेड भी बना सकते हैं, उससे आप कॉटन की जगह पे इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं, जीन बड़ी अच्छी बन सकती हैं और इसके अलावा इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो है एक लिमिटेड एक्सेस की शेप में स्टार्ट किया गया है लेकिन इसी पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है काम कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पे हेम्प पॉलिसी बना रही है। यहाँ पे पहले हम पौधे को करैक्टराइज करेंगे और उसके ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफाइन करेंगे। जब ये हो जाएंगे तो हेम्प पॉलिसी बनेगी और फिर उसकी बुनियाद पर इसको मज़ीद काश की परमिशन दी जा सकती है।